नहीं लगे, बल्कन जय जगन्नाथ के नारे लगे। इतनी जल्दी बीजेपी राम को भूल गई है यानी दिया है। भारत माता की जय जगन्नाथ। चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कहा गया था? आप सीनियर है, अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत अंजन टीवी। दोस्तों, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और इस बार गठबंधन की सरकारें बनने जा रही हैं। गेंद जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पाले में है कि ये लोग किस तरफ बैठेंगे, और ये लोग जिस तरफ बैठेंगे उसी की सरकार बनेगी। खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और बिहार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि आज एनडीए गठबंधन की और इंडिया गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है। उस समय ये तय होगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, मशहूर है कि सरकार किसकी बनेगी ये हमेशा से उत्तर प्रदेश तय करता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ने मैंडेट दिया है इंडिया गठबंधन, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी ने अकेले 37 सीटों पर सीट दर्ज की है और बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े महान नेताओं को धूल चटा दिए, जिसमें सिलेंडर वाली आंटी यानी कि स्मृति ईरानी अपना चुनाव हार गई है, अजय मिश्रा टेनी जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी थी और उसे नहीं हटाया गया, वो भी अपना चुनाव हार गए हैं, यूपी में 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप टीवी देख रहे होंगे, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, यानी कि 1,52,000 वोटों से देश के सबसे बड़े नेता और जिन्होंने अपने आप को भगवान भी घोषित कर दिया था वो चुनाव जीत गए। लेकिन मैं बताऊंगा कि दूसरे नंबर के नेता यानी कि राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े थे, रायबरेली और वायनाड से। रायबरेली से 4,00,000 वोटों से राहुल गांधी जीत गए हैं और 3,60,000 वोटों से वायनाड से भी राहुल गांधी जीत रहे हैं। बताया ही जाता है कि शायद बीजेपी ही मोदी हैं और मोदी ही बीजेपी हैं, जो कि देश के सबसे बड़े नेता हैं, वो राहुल गांधी से भी बहुत कम वोटों से जीते हैं। दूसरी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दूसरी खबर यह है कि राम की राजनीति करने वाले, राम को लाने वाले अयोध्या में चुनाव हार गए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उड़ीसा में बीजेपी ने बंपर जीत दर्ज की है। कल बीजेपी कार्यालय में जो कार्यक्रम था उसमें भारत माता की जय के बाद जो नारे लगे वो जय श्री राम के नारे नहीं लगे, बल्कन जय जगन्नाथ के नारे लगे। इतनी जल्दी बीजेपी राम को भूल गई है, यानी कि राम के नारे बीजेपी ने लगाना अब शायद बंद कर दिए। जो लोग राम को लाए थे, राम ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्हें वहां से भगा दिया है और अब उन्होंने राम का नारा लगाना बंद कर दिया है। भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, जो ट्रोल आर्मी है उसने जिन लोगों ने यूपी में इंडिया गठबंधन को बहुमत दिया है उनको ट्रोल करना उन्होंने शुरू कर दिया है, उनके ऊपर कमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए 30 सीटों की जरूरत है और आस लगाए बैठे हैं कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू उनके साथ आ जाएं। आज ये मीटिंग में तय होगा कि ये दोनों लोग किस तरफ जाते हैं, ये दोनों लोग तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। जिस राहुल गांधी को आज तक पप्पू कहा जा सकता, उन्होंने मोहब्बत की दुकान देश में खोल दी है, दुकान नहीं बल्कि शोरूम अब खुलना शुरू हो गए हैं। मीट मटन मुजरा मुसलमान, इस तरह की राजनीति को लोगों ने नकार दिया है, लोगों ने मंदिर के नाम पर भी वोट अब नहीं दिए हैं। मतलब साफ है कि जनता अब नफरत की राजनीति से उब चुकी है, जनता देश में विकास चाहती है, जनता देश में ऐसे नेताओं को चाहती है जो उनके लिए काम करें। मैं आपको एक पुरानी क्लिप सुनाता हूं कि चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कहा गया था, और आज एनडीए पूरी तरह डिपेंड है चंद्रबाबू नायडू पे सरकार बनाने के। ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है, इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है इसलिए आपके सम्मान में
मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में, अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1983 में कांग्रेस छोड़कर महान एनटीआर के साथ आए, 1989 में एनटीआर की पीठ में चूरा भोंककर खुद मुख्यमंत्री बन गए, बाद में एनडीए के अंदर दामन थामा अटल जी के साथ हो लिए, जैसे ही एनडीए सत्ता के बाहर हुई एनडीए से अलग हो गए, 2014 में जैसे ही लगा मोदी जी की हवा है फिर मोदी जी के साथ आए, 2019 में लगा कि जनता खिलाफ हो गई है, सिंपैथी लेने के लिए नाटक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का भी साथ छोड़ दिया। मित्रों, इनके मन में है कि चुनाव के बाद मोदी जी की सरकार आएगी तो फिर से एनडीए में चले जाएंगे। चंद्रबाबू जी, एनडीए के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, बंद हो। नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं चंद्रबाबू जी से पूछना चाहता हूं, आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपने आंध्र प्रदेश को नारा आपके बेटे के अलावे नारा लोकेश के अलावे क्या, जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का एमपी रहूंगा या रायबरेली का, मैं तो दोनों का रहना चाहता हूँ। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें।